嗡闪。होते हैं या विकारों की अधीनता में आकर कर्म करते हैं।
आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय की मालिक हो, अधिकारी हो, कर्मेंद्रिय के संबंध में आकर हर कर्म करना है। इस अधीनता से स्वयं को मुक्त कर देना है। दिव्य ज्ञान का स्वरूप बनती जा रही हूं मैं आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा। दिव्य ज्ञान का समावेश हर कर्म में करते हुए कर्म योगी तू आत्मा बनना है। संगम युग का मैं श्रेष्ठ कर्म योगी, बाबा की निरंतर स्मृति से, बाबा की सकाश और शक्तियों से हर कर्म योगयुक्त होकर, दिव्य बुद्धि युक्त होकर मैं आत्मा धीरे धीरे आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो सर्व प्रकार के विकारों की अधीनता से मुक्त श्रेष्ठ योगी दधीचि ऋषि के समान हर कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए अपने हर कर्मेंद्रिय को पावन बनाती जाती हूं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, ओम।